दिल्ली के जंतर मंतर पर आज त्रिपुरा से हटकर टिपरा लैंड राज्य बनाने की मांग हो रही है। ये वो लोग हैं जो सीधे त्रिपुरा से आए हुए हैं और यहाँ पर टिपरा लैंड राज्य बनाने की मांग केंद्र सरकार से सीधा कर रहे हैं, अपना एक विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि दशकों से इनकी वो मांगें चल रही हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कैमरामैन गोविंद से कहेंगे एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। बड़े तादाद में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हाथ में जो है अपने संगठन का इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT का ये जो है बैनर लेकर के, झंडा लेकर के, हाथ में भारत का भी तिरंगा लेकर के ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार से मांग और केंद्र सरकार में उन तमाम मंत्रियों से जो है इनकी मांगे हैं, इनका विरोध है कि टिपरा लैंड एक अलग राज्य बनाया जाए। यहाँ पर वो तमाम लोग हैं, इनसे भी समझेंगे, बातचीत करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं त्रिपुरा से हूँ। त्रिपुरा से आ रहे हैं, जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन चल रहा है, टिपरा लैंड एक अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अलग इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं त्रिपुरा में, हम लोग 2009 से हम लोग त्रिपुरा लैंड हम लोग का डिमांड है। सिक्सिदिल एरिया को डिमार्केटेड हो गया है, उसको ही हम लोग अभी मांग कर रहे हैं। हम लोग का त्रिपुरा लैंड, हम लोग त्रिपुरा लैंड हर साल हम लोग 23 अगस्त हम लोग पालन करते आ रहे हैं। हम लोग का त्रिपुरा में करता था पहले 2009 से हम लोग का जारी रहा ये 23 अगस्त। हर साल हम लोग त्रिपुरा लैंड का मांग करता था, जंतर मंतर में बहुत साल आया है हम लोग, तो इसलिए इस साल में थोड़ा अलग से हम लोग जंतर मंतर में हम लोग का 23 अगस्त किया गया। तो हम लोग का मांग यही है, मोदी जी हम लोग का बात सुनना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत क्राइसिस में, हम लोग का भाषा खतरा में है, हम लोग का रहने का जगह भी बहुत खतरा में है हम लोग, इसलिए हम लोग को मांग है त्रिपुरा लैंड। हम लोग को मोदी जी को ये हम लोग प्रार्थना करता है हम लोग को त्रिपुरा लैंड दिया जाए। अमित शाह जी को हम लोग ये बोल रहा है, आपको हाफ जोड़ के बोल रहा है मोदी जी को और अमित शाह जी को, हम लोग को त्रिपुरा लैंड जल्द से जल्द दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ पे वो महिलाएं भी हैं कुछ, इनसे भी समझते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? बुद्धलक्ष्मी देवर्मा। कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग त्रिपुरा से। त्रिपुरा से आप दिल्ली पहुंची हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि टिपरा लैंड बनाने की मांग हो रही है, आप एक अलग स्टेट बनाने की मांग कर रही हैं, क्या मामला है, क्या कहेंगी? देखिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का मांग है टिपरा लैंड, टिपरा का, और हमारा टिपरा में बहुत समस्या है। बांग्लादेश के लोग रिफ्यूजी आ रही है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम लोग का रहने के लिए कोई जगह पे नहीं है अभी तक। इस वक्त हमारे साथ जो IFFT के जनरल सेक्रेटरी जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज आप जंतर मंतर पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रदर्शन है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? डिमांड के लिए हम यहाँ में धरना दिया, अभी डिमांड के लिए स्टेटहुड बेस्ड ऑन 6 दिल अंडर Article 2 & 3 सिर्फ हमारा एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व रक्षा के लिए, हम वो जो नहीं मिलेगा हम टोटली खत्म हो जाएगा त्रिपुरा में, माइनॉरिटी होके होके हम 0 पॉइंट में आएगा, इसीलिए हम डिमांड किया। तो क्या ये अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है त्रिपुरा से? हैं, त्रिपुरा के अलग राज्य के मांग के लिए बहुत जरूरी है। किस राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं? त्रिपुरा लैंड बेस्ड ऑन 6 दिल अंडर Article 2 & 3। अच्छा, क्या कुछ ये कब से मांगे चल रही हैं आपकी जो मांगे? 2009 4 मार्च हमारा स्टार्ट किया था। लगभग 10-12 साल हो गए, किसी से कोई सुनवाई नहीं मिला? नहीं मिला। अभी तेलंगाना तो हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तरांचल हो गया, हम अभी डिमांड चल रहे हैं, अभी ने रेस्पॉन्ड दिया वो जो हमारा अमित शाह जी एंड मोदी जी। तो क्या कुछ आश्वासन नहीं मिला किसी अधिकारियों से, सरकार क्या कह रही है, क्योंकि आप लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके आगे का क्या प्लानिंग है? हम तो यहाँ में टू डिलीवर आवर ग्रीवेंसेस, हमारा जो प्रॉब्लम वह भारतवर्ष कोने कोने में हम प्रसार किया था,
क्या हम क्या हो रहा है अभी त्रिपुरा में? ऐसा है, त्रिपुरा से ये ऑलरेडी 7032 स्क्वायर किलोमीटर है और इंटरनेशनल बॉर्डर में है, बांग्लादेश बॉर्डर में, और ट्राइबल डिजीज 1984 23 अगस्त को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट दिया, उससे डिमांड था स्टेट के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऑटोनोमस दे दिया, वो गलती किया। अभी हम लोग को पूरा स्टेट चाहिए था, क्योंकि ट्राइबल पीपल इनोसेंट होते हैं, वो लोग इतना कोऑर्डिनेट करने नहीं आता है, इनको समझ में नहीं आता है। उधर से बांग्लादेशी आ गए, रिफ्यूजी लोग उधर आ गए, वहाँ में बाउंड्री लाइन है ही नहीं, गेट है ही नहीं, इंटर करके उधर में फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ में बैठ के वो लोग मेजोरिटी में आ गया, ट्राइबल पीपल माइनॉरिटी में हो गया। अभी उनका लैंड बचाने के लिए सब प्रश्न खड़ा हो गया है, और वो खुद उन लोग को फॉरेनर्स महसूस हो रहा है, और वो तो विदेशी बांग्लादेशी आ गए, वो लोग वहाँ का इंडिजिनस जेन्युइन सिटीजन बनने जा रहा है, जिसके कारण आज इन लोग को खतरा महसूस हो गया। और स्टेट गवर्नमेंट का जो डिमांड के लिए क्या क्या संविधान के तहत क्या रिक्वायरमेंट है वो पूरा फुलफिल करता है। 7032 स्क्वायर किलोमीटर है और टोटल हमारा 3 सब डिविजन्स है, और उसके बाद में हमारा पॉपुलेशन 11 लाख पॉपुलेशन है, और सारे सब मिला के हमारा इधर में उसमें स्टेट हुड का डिमांड है, और ट्राइबल पीपल का एक स्पेशल पैकेज के तहत, स्पेशल संविधान के तहत, और फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 है उसके तहत इनको स्टेट हुड का डिमांड है। और 1985 से अभी तक चलते आ रहा है, अभी तक सुनाई नहीं हुआ, अभी तक इनका एक जब तक नो रेस्ट नो डिमांड नो स्टेट नो रेस्ट इसमें काम नहीं करेंगे तब तक इनको स्टेट हुड नहीं मिलेगा। तो इनका इंडिजिनस प्राइवेट का प्रोटेक्शन स्पेशल प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन इतना दूर है उसमें कार्रवाई करने के लिए, तो इसलिए इंटायर सेटअप स्टेट के तहत लेकर तो अपना लैंड बचा सके, अपना आइडेंटिटी बचा सके, और अपना इंडिजिनस जो ट्राइबल कल्चर हेरिटेज जितना भी इनका जो हेरिटेज है उसको बचा सके, इसलिए इंडियन का ये जरूरी है, आवश्यकता है, इसलिए इसका जंतर मंतर में मांग है और आगे भी रहेगा। और भारत सरकार से भी संविधान को अमेंडमेंट करके आर्टिकल 368 अमेंडमेंट करने के लिए बातचीत जारी रहेगा, पत्र जारी रहेगा और डायलॉग भी जारी रहेगा, ये इनका डिमांड है और ये मांग है। हम लोग जो त्रिपुरा से चाहते हैं ना, त्रिपुरा से दो ट्राइब है, इसलिए बांग्लादेश से रिफ्यूजी आया है, इसलिए हमारा त्रिपुरी सा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम लोग त्रिपुरा लैंड TTADC का शिक्षित लोग का मांगना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर में आना पड़ेगा। बिल्कुल, और यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये वो ट्राइबल लोग हैं जिन्हें काफ़ी समस्या हो रहा है, बांग्लादेश से भी इन्हें कहीं ना कहीं समस्या हो रहा है, वहाँ के लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं, इन्हें रहने में दिक्कतें हैं, इन्हें खाने पीने में दिक्कतें हैं, कोई विकास नहीं है इनके यहाँ। तो इस चीज़ को लेकर के केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृहमंत्री अमित शाह से इनकी ये सीधी मांगे हैं कि त्रिपुरा से हटकर त्रिपुरा लैंड एक अलग राज्य बनाया जाए, जिससे इन लोगों को कुछ आसानी हो सके जीने खाने में, कुछ इनका विकास हो सके। इसी के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पे इनका प्रदर्शन, और ये दावा कर रहे हैं कि दशकों से इनका जो है वो प्रदर्शन चला आ रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इलेक्शन के टाइम तमाम दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों पर अभी तक कोई खरा नहीं उतरा है। देखना होगा सरकार इस पर किस प्रकार से अपना पक्ष रखती है और इसको लेकर क्या सुनवाई करती है, क्योंकि देश में ये इकलौता मामला नहीं है। कहीं ना कहीं अगर बिहार में बात करें तो मिथिला राज बनाने की भी कुछ दिन पहले हमने खबरें दिखाई थी, एक बड़ी खबर थी, और इसको लेकर भी लोगों ने मांगे कि मिथिला राज अलग बनना चाहिए, और ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, अपने अपने सक्षमता को लेकर लोग अलग अलग राज बनाने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा सरकार इस पर कितना खरा उतरती है। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मंत्री पाठी दिल्ली। Yeah.